नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं बैंकिंग गुरु जी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक प्री लेवल की बॉक्स पजल सॉल्व करने वाले हैं। ये अननोन नंबर की बॉक्स पजल है दोस्तों, SBI PO के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है। PO के प्री में इस पैटर्न के पजल्स पूछे जाते हैं, ये आपको पता है, और ये पजल मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट सीरीज से ली है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। तो चलिए, अब तक में आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला गया है, देर आर एटमोस्ट 11 बॉक्सेस केप्ट वन अबव द अदर टू मेकअप अ पाइल, वेयर बॉटम मोस्ट बॉक्स इज नंबर डैश बॉक्स वन एंड बॉक्स अबव इट इज नंबर डैश बॉक्स टू एंड सो ऑन। देखिए, बोला गया है कि 11 बॉक्सेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 11 बॉक्सेस हैं, उनमें से सभी एक के ऊपर एक रखे हुए हैं इस तरीके से कि सबसे नीचे जो बॉक्स रखी गई है वो बॉक्स नंबर वन है, उसके ऊपर वाले बॉक्स को बॉक्स नंबर टू दिया गया है, और इसी तरह से ऊपर में एक के ऊपर में एक बॉक्स रखे गए हैं और मैक्सिमम 11 बॉक्सेस हैं। 11 से कम हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तो 11 ही होंगी। तो एक काम करते हैं, हम 11 मैक्सिमम की कंडीशन है तो मैक्सिमम 11 बॉक्सेस की हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि जितने भी बॉक्सेस हैं सभी को नंबर्स तो दिए गए हैं। क्लियर है ये चीज़? चलिए, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ लेकर चलेंगे हम, ठीक है? तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए मैं इसी में मर्ज कर देता हूँ, पहली पॉसिबिलिटी एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी। चलिए, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब पढ़ते हैं कंडीशन। बोला गया है, बॉक्स एल इज़ फोर बॉक्सेस अबव बॉक्स एम एंड बोथ आर प्राइम नंबर्ड बॉक्स। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है कि बॉक्स एम के तीन बॉक्स ऊपर बॉक्स एल रखा गया है, चार बॉक्स ऊपर है, तो यहाँ पर हम तीन का गैप लेंगे, ठीक है? कहने का मतलब यह है, एम होगा, एक दो तीन होगी और फिर यहाँ पर एल आ जाएगा। यहाँ पर हमें तीन का गैप लेना गया है, ठीक है? फोर बॉक्सेस एबव मतलब तीन का हमें यहाँ पर गैप लेना होता है। चलिए, अब बोला गया है कि ये दोनों बॉक्स जो हैं, बॉक्स एम और बॉक्स एल, इन दोनों को प्राइम नंबर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर एक से एलेवन तक में हमारे पास में प्राइम नंबर कितने हैं? देखो, दो प्राइम नंबर ये है, फिर थ्री होगा, फिर हमारा फाइव होगा, फिर सेवन होगा और फिर जाकर एलेवन हो जाएगा, ठीक है? तो बॉक्स एम और एल के बीच में हमें तीन का गैप लेना है। मतलब मान के चलो कि अगर एम को हम यहाँ पर सेकेंड नंबर पे रखते हैं तो एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर सिक्स नंबर पे एल आएगा, लेकिन सिक्स हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम थ्री पर रखते हैं तो एक दो तीन छोड़ के एल हमारा सेवन पे आएगा, और थ्री और सेवन ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो ये तो हमारी एक पहली पॉसिबिलिटी बन गई कि हमारा यहाँ पर एम आएगा और उसके बाद एक दो तीन छोड़ के सेवन पे एल आ जाएगा। चलिए, अब फाइव पर अगर हम रखेंगे एम को तो एक दो तीन के बाद एल यहाँ पर आएगा, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। सेवन पे अगर हम रखते हैं तो एक दो तीन के बाद यहाँ पर बॉक्स एल आएगा, जो कि सेवन और एलेवन दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं। तो दूसरी पॉसिबिलिटी तो ये बन गई कि बॉक्स एम हमारा सेवन पे होगा और बॉक्स एल हमारा एलेवन नंबर के पे आएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। बोला गया है, देयर आर फाइव बॉक्सेस केप्ट बिटवीन बॉक्स के एंड बॉक्स एम। तो के और एम के बीच में पांच बॉक्स की गैप हमें लेनी है, तो एम यहाँ पर है, एक दो तीन चार पाँच छोड़ के बॉक्स के हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। एम यहाँ पर है तो एक दो तीन चार पाँच छोड़कर के हमारा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद बोला गया है, बॉक्स पी इज एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स एल एंड के। तो एल और के एग्जैक्ट बिटवीन में हमें बॉक्स पी को लेना है। तो यहाँ पर देखो, एल और के बीच में तो एक ही प्लेस है, तो पी हमारा यहाँ पर आएगा। इसमें देखो, एल हमारा सबसे ऊपर है, के हमारे सबसे नीचे है, तो इन दोनों के एग्जैक्ट बिटवीन में कौन सी बॉक्स आएगी? बीच में देखो, टोटल 11 बॉक्स की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है। 11 में सबसे ऊपर में एल, सबसे नीचे में के, तो बीच में हमारे पास में नाइन बॉक्सेस हैं। तो नाइन बॉक्सेस में जो मिड वाला प्लेस आएगा वो कितने नंबर का आएगा? हम लोग चार का गैप ले लेंगे। तो चलिए, एक दो तीन चार छोड़ के इस प्लेस पर हमारा बॉक्स पी आ जाएगा। तो देखो, नीचे यहाँ भी चार बॉक्सेस हैं और यहाँ भी चार बॉक्सेस होने चाहिए, एक दो तीन चार, तो इधर भी चार बॉक्सेस हैं। मतलब एल और के एग्जैक्ट बिटवीन में पी हमारा आ चुका है। उसके बाद बोला गया है, बॉक्स एस इज थ्री बॉक्सेस एबव बॉक्स पी। तो एक्स बॉक्स पी के तीन बॉक्स ऊपर रहना है, मतलब यहाँ भी हम दो का ही गैप लेंगे। तो पी के ऊपर में एक दो छोड़कर एस हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसमें पी के ऊपर में एक दो छोड़कर एस हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। उसके बाद बोला गया है, देर आर फोर बॉक्सेस बिटवीन एस एंड बॉक्स टी विच इज नॉट जस्ट बिलो एल। तो एस और टी के बीच में चार बॉक्स की गैप लेनी है, एस हमारा यहाँ पर है, एक दो तीन चार के बाद टी हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसमें भी देख लो, एस यहाँ पर है, एक दो तीन चार के बाद टी हमारा इस प्लेस पर आ जाएगा। तो इसी में और क्या बोला गया था कि विच इज़ नॉट जस्ट बिलो बॉक्स एल। तो विच इज़ नॉट जस्ट बिलो बॉक्स एल किसके लिए बोला गया है? ये उसके ठीक पहले, विच के ठीक पहले में बॉक्स टी है, तो बॉक्स टी के लिए बोला गया है कि बॉक्स टी हमारा बॉक्स एल के ठीक नीचे में नहीं होगा। तो देखो, यहाँ पर बॉक्स एल के ठीक नीचे में बॉक्स टी आया है, जो ये तो हमारा
तो ये तो हमें नहीं करना है, तो ये कंडीशन तो हमारी कैंसिल हो गई। लेकिन यहाँ पर बॉक्स एल के ठीक नीचे में बॉक्स डी नहीं आया है, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर फॉलो हो रही है। तो ये पजल हमारा यहाँ पर सॉल्व हो जाता है दोस्तों। इसमें टोटल हमें 11 बॉक्सेस मिले हैं, 11 बॉक्स की अरेंजमेंट है। बीच में जो बॉक्सेस खाली दिख रहे हैं वो खाली नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई बॉक्स तो रखा गया है जिसकी की डिटेल हमें नहीं दे रखी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पजल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।